एक वेनम केस में जेल में बंद एलविश यादव की बेल पर कल दोपहर 1 बजे सुनवाई होगी। पुलिस ने मामले में धाराएं बढ़ा दी हैं, जिसमें एनडीपीएस की 4 धाराएं जोड़ी गई हैं। 2 धाराओं को कोर्ट ने बढ़ाने से इनकार कर दिया। इधर एलविश के वकील ने दावा किया कि एलविश अन्य किसी आरोपी को नहीं जानता है, उसकी लोकेशन से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। ऑनरेबल कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे, आगे ऑनरेबल कोर्ट का डिस्क्रेशन है। क्यों एलविश से बातचीत हुई? नहीं, इस दौरान तो नहीं हुई, क्योंकि भीड़ ही इतनी थी। कल आया था, सिर्फ हम वकालत करने पर ध्यान दिया, बात नहीं। एलविश से इस पूरे मैटर में कभी बातचीत हुई आपको? नहीं, पहले होती थी। क्या कहा गया उसकी तरफ से? झूठा फसाने। जो राहुल के साथ ऑडियो पीएफए की तरफ से, वो ऑडियो हमारे सामने है नहीं अभी, क्या है कि हम उस पर कोई कमेंट करें, कि हम देख के बताएं। ऑडियो के बारे में जब हमारे सामने है नहीं, तो हमने उससे बात भी नहीं की है इस बारे में। जब हमारे सामने होती तो हम कोई बात करते हैं। अब वो झूठी हैं सच्ची हैं? नहीं, किसी को नहीं जानता।